आपको रोशनास कराना चाहते हैं। अफ्रीका जो कई ममालिक में बटा हुआ है, ये मुल्क हजरते नूह के तीसरे बेटे जनाब हाम की औलाद है। जनाब नूह के तीन बेटे थे, हाम, साम, याफिस। तो हाम जो सबसे बड़े थे उनकी औलाद में है, और इनके बेटों में नाम है लीबिया, हबश और दीगर बहुत से नाम है उनके बेटों के नाम है। और उसी में ये मुल्क है नाइजीरिया, जिसकी तमाम हम हिस्ट्री ऑफ आजादारी के उन्वान से लेकर के हाजिर हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि अफ्रीका हमारे लिए कितना अहम है, यानी इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए और तशियों के लिए। तो आप देखें कि हजरत बिलाल का ताल्लुक भी इसी सरजमी से था, और बिलाल हबशी मशहूर हुए। जनाब फिजा जो शहजादी कोमैन की कनीज खास थी, जनाब चौन जो शहीद करबला हैं, और जनाब जाफर तैयार जो हबशा हिजरत करने के लिए गए थे, और उन्होंने हिजरत करके पूरे अफ्रीका को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमे में पिरो दिया था। और इसीलिए जंग खैबर के दिन, जनाब फतेह खैबर के दिन जनाब जाफर तैयार लौट करके जब आए तो जनाब रसूल मुस्कुरा के कह रहे थे कि आज मैं किस बात की खुशी मनाऊं, आया अली के फतेह खैबर की कि या जाफर के कामयाब लौट कर आने की। ये दो खुशियां थी, इसलिए कि भाई ने यहूदियों पे फतह हासिल की थी खैबर, और दूसरे भाई ने अफ्रीका की ईसाइयों में फतह हासिल की थी। और जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं, जिनका नाम है हमीदे बरबरिया। वो शहर बरबर पर रहने वाली थी जो अफ्रीका का एक हिस्सा है, और इसी से मिला हुआ है नाइजीरिया। नाइजीरिया के जहां पर 70% जो है मुस्लिम्स हैं, और ये मुस्लिम मुल्क है, और जिसमें जनाब शेख इब्राहिम ज़कज़की का संघर्ष, उनकी जिद्दोजहद। अल्लामा इक़बाल ने फरमाया था कि आप तकबीर की सीनों में दबी रखते हैं, जिंदगी मिसले बिलाल हबशी रखते हैं। ये वो कह तो गए थे, मगर अगर इस पर अमल किया है तो सिर्फ और सिर्फ इस दौर में शेख इब्राहिम मोहम्मद ज़कज़की ने, के जिन्होंने अफ्रीका के जंगलों में खेतों खेतों हक परस्ती के फूल खिलाए हैं, जहां सऊदी यहूदी जैसे लोगों का प्रेशर और शजरे खबीसा और शजरे मलूना बोको हराम जैसी दहशतगर्द तंजीम के बीच शजर तैयबा को लगा करके उस दरख्त में उन्होंने अम की कलियां भी चटकाई हैं और मोहब्बत के फूल भी खिलाए हैं, और हक परस्ती के खेल और खेत और खलियां वहां लहला रहे हैं। हजरात, चूंकि अफ्रीका और एशिया का एक बहुत बड़ा ताल्लुक यूं भी है कि यूरोप के लोग मौसम की मार की वजह से कभी कज़ाक बनते थे, कभी कब्जा करते थे, कभी हुकूमत करते थे, कभी लोगों को सताते थे, और इसीलिए वो अफ्रीका और एशिया के मुल्कों पर आकर काबिज रहे। इसी तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट 1940 तक इस मुल्क पर काबिज रही,
और सब कुछ लूट करके ये लोग लेकर के जाते रहे, इसमें हिंद भी है और दीगर मुल्क भी है। खैर तो 1940 के बाद ये मुल्क आजाद हुआ और यहाँ लोगों ने अपने अपने वोट डाले और हुकूमत इस्लामी कायम हुई। और उसी के बीच एक दहशतगर्द तंजीम कायम हुई जिसका नाम है बोको हराम। मोहम्मद यूसुफ नामी शख्स ने 2001 में इस तंजीम को कायम किया, 2009 में वो मर गया। उसके बाद अबू बकर शिकाऊ ने इसकी बागडोर संभाली जो इंतहाई जालिम और इंतहाई बख्त शहर था, शख्स था, और उसने बहुत से ईसाइयों को कत्ल कर डाला और बहुत से दीगर मजाहब के लोगों को भी मारा। और यहां तक के 2015 में इसने दाइश जैसी दहशतगर्द तंजीम को अपना अलायंस किया और 2015 में दाइश ने 7,073 लोगों को मारा था, जबकि इस मलगून ने अबूबकर शिकाऊ ने 7,649 लोगों को तहते किया था। यानी इतनी सख्त तरीन ये तंजीम थी। आप हमारी स्क्रीन पर भी देखते रहे वहां के कल्चर और वहां के सामाजिक और वहां की मंजर और पस मंजर को भी, और लेकिन जिस शख्स ने वहां हक परस्ती का आलम बुलंद किया है उसका नाम है शेख मोहम्मद ज़रज़की। आज लाखों की तादाद में उन्होंने वहां पर तशय्य और शियत को फरोग दिया। वहां मातम होता है, मजलिस होती है, जुलूस निकाला जाता है और हक परस्ती की आवाज गूंज रही है। जिस चिराग को जनाबे जाफर तैयार ने लगाया था उसे शेख इब्राहिम ज़रज़की ने आगे बढ़ाया, चिराग से चिराग जला करके, और आज वहां पर तशय्यो का एक बहुत बड़ा जम्मे गफीर है। आप हमारी स्क्रीन पे देखते रहे कि कितने अफराद ने, और इनमें जो तशय्यो को कबूल करने वाले हैं हजरात, उनमें अक्सरियत है कि जो गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिमों के यहाँ डोर टू डोर जा करके, उनके गांव गांव जा करके, उनके शहर शहर जा करके शेख इब्राहिम ज़रज़की की ज़बान में वो तासीर थी कि हक को कबूल करने वाले निकलते रहे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता था। तो हजरत आज आप नाइजीरिया और नाइजीरिया के आसपास और इलाकों में आप देखें तो अफ्रीका में बिलाल मिशन भी अपना काम कर रहा है, लेकिन शेख इब्राहिम ज़रज़की जो 1978 में वहां यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी थे, उसके बाद फिर वो ईरान में ईरान से संपर्क हुआ और आज भी वो खुद रैली निकालते हैं। रमजान मुबारक में रूहानी माहौल होता है, उन्होंने तारीखी अल्लाह खाना कायम किया वहां बकीयतुल्लाह, जिसका नाम है हुसैनी बकीयतुल्लाह, उसमें मातम होता है, उसमें नवाखानी होती है, वहां औरत और मर्द बच्चे बूढ़े सब लोग, जैसे ही मुहर्रम का चांद निकलता है फौरनी सब स्याह लिबास में इकट्ठा हो जाते हैं और कर्बला वालों को याद करते हैं। तो हजरात आज हम बस इतना ही आपकी खिदमत में, इसी तरह नए नए शहरों की अदादारी को लेकर के हम हाजिर होते रहेंगे, नए नए मुल्कों की। आप बदतर ही हमारे शहर इंडिया 72 डेली चैनल को आखिर में हम इतना बताना चाहते हैं कि अगर आपको खानदान बनी हाशिम मासूमी और उनके साहब को देखना है तो 44 से लेकर के 49 नंबर तक हमारा एपिसोड देखिए, और अगर आपको दीन और हिंदुस्तान देखना है तो 49 से लेकर के आप हमारा 59 तक देखिए, और अगर इस्लाम और हिंदुस्तान देखना है तो 59 से लेकर के 71 तक देखिए, और अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हिंदुस्तान देखना है तो आप 72 से लेकर के 146 तक देखिए, और अगर आपको आलमी अज़ादारी देखनी है तो 146 से लेकर के 159 तक देखिए। देखते रहिए इंडिया 72 डेली को। खुदा हाफिज़। भी अमानुल्लाह। घबराओ हुसैन वारिस है।
किया सवाल, जो अल्लाह से मैंने जन्नत का किया सवाल, अब्बास उठाओ हुसैन वारिस है सदा ये दीप जलाओ हुसैन वारिस है अलम अब्बास उठाओ अपना दुख तो सुनाओ हुसैन वारिस है अलम अब्बास उठाओ हुसैन वारिस है अब्बास पे आओ हुसैन वारिस है दरे अब्बास पे आओ शबी
more.